हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुजा और आज हम डिस्कस करेंगे क्या एलएलएम जब आप करते हैं तो लॉ की प्रैक्टिस में क्या ये ब्रेक माना जाएगा, एडवोकेट की प्रैक्टिस में क्या ये ब्रेक माना जाएगा। तो अभी तक ये बहुत सारे डाउट आया करते थे कि अगर मैम हम अगर एलएलएम परस्यू करते हैं तो हमें 2 साल और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम हायर जुडिशली के लिए को ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है केस करण अंतल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, जो कि अप्रैल में आया है, जिसमें बोला गया है कि जब आपका जो एडवोकेट है वो डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 232(2) में, और आपके जो रूल्स हैं वो है रूल 9 सब क्लॉज 2, जिसमें बोल रखा है कि एडवोकेट का मतलब क्या होता है। एक होता है एडवोकेट इन प्रैक्टिस और दूसरा होता है एडवोकेट जो कि रजिस्टर्ड है एज अ बार काउंसिल। कहाँ रजिस्टर्ड है? एज अ बार काउंसिल में आपने खुद को रजिस्टर करवा रखा है। तो दोनों का ही इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालते हैं, दोनों को ही माना जाएगा कि आप क्या हैं, एडवोकेट हैं। और इस इंटरप्रिटेशन के साथ ये माना जाता है कि अगर आपने खुद को स्टेट बार काउंसिल में अगर आपने खुद को रजिस्टर करवा रखा है एज एन एडवोकेट, और उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, एलएलएम परस्यू करते हैं, तो एलएलएम के ये जो 2 ईयर्स होंगे ये आपका ब्रेक नहीं माना जाएगा, बल्कि माना जाएगा कि आप प्रैक्टिस ही करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पहले एलएलबी करते हैं, फिर बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद खुद को रजिस्टर करवाने के बाद आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी चालू कर देते हैं, आप जुडिशरी के लिए तैयारी करनी चालू कर देते हैं, आप एलएलएम के लिए तैयारी करते हैं, तो आप कहाँ नहीं जा रहे होते हैं, कोर्ट नहीं जा रहे होते, लेकिन आपने खुद को रजिस्टर करवा रखा होता है। तो कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला है कि जितने भी एडवोकेट हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हों और चाहे उन्होंने सिर्फ खुद को रजिस्टर करवा रखा है स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल में, तो माना जाएगा कि आप क्या हैं, एडवोकेट है, और ये नहीं माना जाएगा कि आपके प्रैक्टिस में ब्रेक हो गया है। जिसके कारण पहले क्या होता था कि आपने अगर आपको चाहिए हायर जुडिशरी के लिए 7 ईयर्स, तो आपको कितना करना होता था, आपको जनरली 10 साल लग जाते थे केवल 7 ईयर्स करने के लिए, क्योंकि बीच में अगर आपने एलएलएम कर लिया है तो आपका वो 2 साल का ब्रेक हो जाता था और फिर आप वापस कंटिन्यू कर रहे होते थे। तो अब आपको ये परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा फेवर सब एडवोकेट्स के फेवर में आया है, जो कि बोला जाता है कि अगर आप एलएलएम या कोई भी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर आप कोर्ट नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपकी सर्विस कंटिन्यू ही मानी जाएगी। ठीक है, इसी चीज के साथ अन अकेडमी ने चालू करा है क्लैट पीजी की सिलेबस के प्रिपरेशन के लिए। ये सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है 15 जून से और इसकी बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, और इसी क्लासेस में आपको मिलेगा इंडियन बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पेपर का पैटर्न आए दिन चेंज हो रहा है, सिलेबस में बहुत लेटेस्ट केस लॉ पूछे जा रहे हैं, लैंडमार्क केसेस पूछे जा रहे हैं, ग्राफ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। तो इसलिए अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा जहां आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस हर क्लास में मिलेगी आपको पीडीएफ। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं और अभी हैं आप 4th ईयर में, तो ऐसे में आप एनरोल करवा सकते हैं 18 मंथ्स प्रोग्राम के लिए, जिसकी फीस है आपकी 35,000, और अगर आप इसे मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहेंगे तो वो होगा आपका 1,944। अगर आप 5th ईयर में हैं और 12 मंथ्स प्रोग्राम स्टार्ट चाहते हैं तो आपको मिलेगा ये प्रोग्राम 2,500 रुपीज़ में, और आपका लमसम अमाउंट पड़ेगा आपको 30,000 रुपीज़। और अगर आप अभी 5th ईयर में ही हैं और आपको एंट्रेंस देना है, एलएलएम का एंट्रेंस देना है दिसंबर 2023 में, ये जो 5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस बैच के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस है आपकी 22,500। तो इसी चीज़ के साथ हाई कोर्ट ने दी है एक मेजर रिलीफ सब एडवोकेट्स को, जो कि पढ़ भी रहे हैं, एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में
वो करना चाहते हैं जुडिशरी और बाकी सारी सर्विसेज के लिए काम भी करना चाहते हैं और LLM भी करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रिलीफ मिली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अनअकैडमी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाकर रहेगा। अभी तक के लिए थैंक यू।